This post office has grown over the last 175 years and evolved into a mammoth organization. So we are not only a major player in the courier and parcel industry, we are also a major banker because we own the largest CBS network in the country. There are 26,000 core banking branches for the post office, offering the traditional banking services. The only problem is that we were not under the regulator, so we were not able to offer the digital banking services to all our customers. So this gap is filled today with the introduction of the India Post Payments Bank. What we are going to have is a digital edge, a physical network supported by the technology. And you have already seen, as in the audiovisual, the postman and the Grameen Dak Sevaks across the country will be moving with smartphone devices to the unbanked and the underbanked to open accounts all across the country. आज पणजी आणि मडगाव 21 फरवर दोन कार्यक्रम लॉन्च जातात आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्याचे लॉन्चिंग करतात. आम्ही पळतात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अंगठ्याचे आपली करामत दाखवली असा. एक थंब इम्प्रेशनचे आम्ही खंच्या बँकेत अकाउंट उघडू शकतात, खंय आम्ही सिम कार्ड घेऊ शकतात, अशा कितल्याशा गोष्टी असा आम्ही पेमेंट करू शकतात. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज पोस्टातल्यान साधारण गोयात, तसेच गोयात साधारण 558 जाग्यांनी हे 1 डिसेंबर पर्यंत सगळ्या केल्यातले. हमारे समाज के इतने बंधु सारे देश में अपना सम्मानित पद पा रहे हैं. अभी कुछ देर पहले शिक्षा के ऊपर मुझे बोलना था तो मैंने ये बात स्मरण की कि हमारे जमाने में जब मैं छोटी थी और जब पढ़ती थी तो गांव में जो शिक्षक होते थे प्राइमरी स्कूल के, वो सबसे ज्यादा उनको सम्मान मिलता था. वो घर घर के पूजनीय थे. और मुझे यहाँ आने पर ऐसा लगा कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर को सम्मान मिलता था वही सम्मान डाकिया को मिलता है, उतने ही सम्मानित होते. रुकेंगे लोग, बातें करेंगे, उनको समझा बुझा कर उनका पैसा देंगे, बैंक अकाउंट खुलाएंगे, पता नहीं और आगे चलकर क्या क्या काम उनके जिम्मे होता है. मैं सबको और पूरे विभाग को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि इस उत्सव को हम सफल बनाएं. आज का दिन सचमुच भारत में उत्सव का दिन बनाए, ऐतिहासिक दिन बन जाएगा. इतना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन. मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ. क्योंकि बैंक का ये और SBI की सबसे बैंकिंग का बड़ा नेटवर्क है SBI, वो भी अभी, लेकिन उनका कोई लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो पूरे गांव तक, पूरे रिमोट एरिया तक नहीं पहुंच सकता. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री है, उसके दिमाग से ऐसा कि अभी कुछ तो कुछ ऐसा चाहिए कि जो हर एक आदमी, रिमोट एरिया के आदमी, के आम आदमी है, उसके पास पहुँचने वाला कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए. ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ हर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होगा कि हर एक आम आदमी का कोई खाता होना चाहिए. पहले जैसे जन धन योजना आया. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी आता जे लॉन्च केला इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, आणि 3 लाख आमचे पोस्टान चिठी पावोपी आख्या घरा घरांनी जे इतली वर्सा झाले ते चिठी पावयताले, आमचे पोस्ट
पोस्टल सर्विसीसान जे काम करपी डाकिया म्हणटा आमी तेंकां आख्खे इंडियेक ते पावयताले पूण आतां तेंकां एक नवी जबाबदारी दिल्ली आहा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश गाडकर फ्रॉम म्हापसा फॉर HCN.